हेलो दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल का भारत ने इसकी फुल कैपेसिटी से सक्सेसफुल टेस्टिंग कर लिया। इसे वेपन ऑफ पीस मैं नहीं बल्कि डीआरडीओ द्वारा कहा गया, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एशिया में एग्रेसिव होते हुए चाइना के सामने भारत को एक मजबूत डिटरेंस अथवा भयादोहन की शक्ति प्रोवाइड करता है। इस मिसाइल से पहली बार पूरा चीन, उसका हर एक सुदूर कोना भारत की मिसाइल की रेंज में आ गया, जो कि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीन करता रह गया तवांग, भारत ने लगा दी बड़ी छलांग। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और जिस समय लाइव ये आसमान में देखी जा रही थी, कुछ लोग इसको कुदरत का करिश्मा मान रहे थे, कुछ इसको यूएफओ मान रहे थे, कुछ इसको टूटता हुआ तारा मान रहे थे, पर वास्तव में जो आसमान में चमकदार तेज रेखा देखी गई थी वो भारत द्वारा अग्नि 5 की टेस्टिंग हो रही थी। और डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का रात में सफल परीक्षण कर लिया गया और इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्षा सूत्रों ने मिसाइल पर नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों को मान्य करने की भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य मिसाइल को हल्का बनाना है, जिससे जरूरत पड़ने पर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लॉन्च की, क्योंकि अभी हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की तस्वीरें ताजा बनी हुई हैं। बात करते हैं, पिछले साल चाइना द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1172 रिजोल्यूशन का हवाला देते हुए भारत द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के प्रक्षेपण के संबंध में चिंता जताई गई थी। यह प्रस्ताव भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद जारी किया गया था। अग्नि 5 की बात करते हैं तो ये एक इंडिजिनियसली बिल्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डेवलप किया गया IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्री एंड फॉरगेट मिसाइल है और एक बार अगर इसको फायर कर दिया जाए तो इसको टारगेट को हिट करने से पहले नहीं रोका जा सकेगा और यदि रोकना है तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल से इसको नष्ट करना होगा। बात करते हैं IGMDP प्रोग्राम की, तो ये एक ब्रेन चाइल्ड माना जाता है हमारे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति भारत के गौरव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिनका उद्देश्य था कि भारत देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बात करते हैं IGMDP प्रोग्राम की, तो इसके तहत 5 मिसाइल सिस्टम आती है। याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल और कॉमन एक ट्रिक है, पटना नाम याद कर लीजिए। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर आकाश, ये 5 मिसाइल किस में आती हैं? IGMDP प्रोग्राम के तहत आती हैं, जिसमें कि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अग्नि मिसाइल की, अग्नि 5 की। देखिए, अग्नि 5 की बात करते हैं तो ये देखिए, ये इसकी जो रेंज है फुल कैपेसिटी के साथ 5500 किलोमीटर, इसको कहाँ से टेस्टिंग किया गया था, ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से और ये सीधा इंडियन ओशियन में इसकी टेस्टिंग होती है। 5500 इसका रेंज होता है और 5500 से इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। 5500 कब होगी? जब ये फुल कैपेसिटी अर्थात इसका जो वॉरहेड कैपेसिटी है 1500 किलोग्राम, जो कि एक ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, अगर इतना पूरा वजन ही लेकर जाएगा तो 1500 किलोमीटर तक जा सकेगा और अगर थोड़ा सा इसको वॉरहेड को कम कर दिया जा सके तो ये 8000 किलोमीटर तक मार कर जाएगा। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 मैक, हालांकि 24 मैक पूरी जर्नी में नहीं रहेगी, कहां पर रहेगी अभी आगे की स्लाइड में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अग्नि की प्रीवियस रेंज की थोड़ी सी, अगर बात करें तो अग्नि 1 जिसकी की टेस्टिंग 2012 में हुई थी, रेंज इसकी 1000 किलोमीटर के आसपास थी। अग्नि 2 2013 में होती है इसकी टेस्टिंग, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अग्नि 3 2015 में टेस्टिंग होती है, 3500 किलोमीटर के आसपास रेंज। अग्नि 4 भी 2015 में टेस्ट किया जाता है और 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। बात करते हैं ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार करने की क्षमता रखता है और ये किसी मिसाइल को इसका तबका कब मिलता है, जबकि मिसाइल की जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। आज के दिन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में चुनिंदा कुछ देश हैं जैसे कि US, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनके अलावा इसराइल, पहले के जितने देशों का नाम लिया गया है ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी है, इसके अलावा इसराइल और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया, हमारा प्यारा भारत का नाम जुड़ गया, जिसके पास अब इंटीग्रेटेड जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भारत के पास मौजूद होगा। और बात करते हैं 24 मैक की स्पीड की, जो भी बात हुआ था, देखिए जब ये लॉन्च होगा तो वर्टिकल लॉन्च होता है, वर्टिकल लॉन्च से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी रेंज में जब ये ऊपर मिसाइल को छोड़ा जाएगा तो कहीं पर भी आसमान में इसको जो भी इसका टारगेट चाहे वो किसी भी
डायरेक्शन में 360 डिग्री में इसको मोड़ा जा सकता है। और सबसे पहले जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो सीधा यह वर्टिकली ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर की रेंज से बाहर निकल जाता है, और ऊपर से फिर जब ये वापस लौटता है एटमॉस्फेयर में, रीएंट्री मारता है, अपने पाथ को चेंज करता है, और लास्ट का जो फेज होता है जहां पर जो पूरी मिसाइल होती है उसका पीछे का जो पूरी बॉडी है ये हट जाता है और बचता क्या है, सिर्फ ये वॉरहेड बचता है। तो देखिए ये जब वॉरहेड लास्ट में जब टारगेट को हिट करता है, जो टर्मिनल फेस कहलाता है, वहां पर इसकी स्पीड हो जाती है 24 मैक। एक मैक बराबर कितना होता है, एक मैक स्पीड ऑफ साउंड को मैक कहलाता है। तो एक जो साउंड जिसकी रफ्तार से चलता है उसका 24 गुना रफ्तार से ये मिसाइल हिट करेगी टारगेट को, और इतनी तेज से जब ये अपने टारगेट की तरफ पहुंचेगी। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा, अभी कोई भी टेक्नोलॉजी परिपक्व नहीं हो पाई जो कि 100% इसको रोक सके। और इसके अलावा आगे बात ये भी कही जा रही है, पिछली जो अग्नि की रेंज की मिसाइल है उसके उससे अग्नि 5 की मिसाइल इस मामले में भी अलग हो जाती है, क्योंकि ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्च मिसाइल सिस्टम के साथ आती है। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल लॉन्च सिस्टम के साथ सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इसको बाई रोड ट्रांसपोर्ट करके देश के किसी भी कोने तक ले जाया जा सकता है, वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जो कि निश्चित तौर पर इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ा देती है और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देती है हमारी जो आर्म कैपेबिलिटी है उसको। और एक नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है पर भारत के लिए MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब मिसाइल को देखिए जब लॉन्च किया जाता है तो लास्ट में जो ये पेलोड होता है जो कि वॉरहेड जो लेकर जाएगा, तो ये एक सिंगल ना होके इसमें मल्टीपल वॉरहेड ले जाया जा सकता है। मिसाइल तो एक ही जाएगी पर जब ये टारगेट को हिट करेगी तो कोई ऊपर से सिर्फ एक सिंगल आने के बजाय ये देखिए मल्टीपल टारगेट नीचे गिरेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से और बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए सामने कोई टारगेट है, एक हमको ईंटे से उसको मारना है, हम उसको ईंटे से मार देंगे, संभव है कि लग जाए, संभव है कि ना लगे, अथवा किसी को बचना है उससे तो एक ईटा उसकी तरफ आता रहेगा तो उससे वो बचने का कुछ उपक्रम लगा सकेगा। लेकिन एक ईटा से मारने की बजाय अगर कई छर्रे से उसकी तरफ वार कर दिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसमें से कई छर्रे अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे, और यही फायदा देगा इस MIRV टेक्नोलॉजी के होने से। और अब बात करते हैं DRDO द्वारा, तो जिस तरीके से इंडिजियसली ICBM रेंज Agni-5 को बनाया गया है, अभी प्रेजेंट टाइम में DRDO Agni-6 पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर बताई जा रही है। और इसकी एक और खासियत होगी कि अभी तक की जो भी अग्नि रेंज की मिसाइल है वो सिर्फ उसको लैंड से लॉन्च कर दिया जा सकता है, पर अग्नि जो 6 रहेगी उसको नेवी से भी हम लॉन्च कर सकेंगे। तो अब उसकी रेंज में और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब तो इंडियन ओशियन में हम जाके उसको मारेंगे। और बात करते हैं पिछले 20 सालों की, तो Agni-1, Agni-2, Agni-3, Agni-4, Agni-5 मिसाइलों का निर्माण सफलतापूर्वक भारत द्वारा इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। और बात करते हैं नई जनरेशन की Agni-P न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की, जो कि DRDO द्वारा इसका टेस्ट चल रहा है, 2021 से हो रहा है। और बात करते हैं Agni-P जो कि एडवांस वर्जन है Agni क्लास मिसाइल का, ये भी एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और इसकी इफेक्टिव जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।